हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। और आप कैसे हैं? आप सब ठीक होंगे? चलो देखते हैं, आज हम बना रहे हैं कद्दू की सब्जी, न्यू रेसिपी। ओके, देखिए ये कद्दू है, देखिए इसे हम ऐसे काट लेंगे, ऐसे बारीक बारीक सा। ये देखिए ऐसे काट लेंगे छोटा छोटा, ठीक है। आगे बताती हूँ मैं आपकी रेसिपी की सामग्री। ओके, हाँ जी, हाँ हाँ, स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी बनाना। देखिए मेरा तेल गर्म हो गया है, अब इसमें मैं हींग जीरा अच्छे से डाल के फ्राई करूँगी। फिर मैं इसमें डालूँगी कद्दू यानी कि पेठा, आप पता नहीं क्या बोलते हैं, ये डालूँगी मैं। फिर इसमें डालूँगी हरी मिर्च। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। देखिए मेरा तेल हो गया है, डाल दिया हमने हींग और डालते हैं हम जीरा। अब इसको हम अच्छी तरह ढक के थोड़ी देर पकाएंगे बिना पानी के। फिर इसमें हम मसाले ऐड करेंगे, जैसे कि हल्दी, मिर्ची, नमक, और आप अपना मनचाहा मसाला कुछ भी डाल सकते हैं इसमें, स्वाद अनुसार नमक, ठीक है। पहले इसको हम फ्राई करते हैं, उसके बाद देखते हैं सब्जी कैसी बनती है। इसमें अब लगा देते हैं ढक्कन। देखिए ये हमने अच्छी तरह से पका ली है 10-15 मिनट, अब हमारी सब्जी ऐसी हो रही है। अब इसमें हम अपने इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, हल्दी मिर्च। चलिए देखते हैं। सबसे पहले डालते हैं हम हल्दी, डाला धनिया पाउडर और थोड़ा सा आमचूर ऐड करेंगे इसमें। इसको कर देते हैं मिक्स, उसको फोड़ देंगे थोड़ा थोड़ा, मैश कर देंगे अच्छी तरह से। देखिए कितना प्यारा प्यारा आ रहा है हमारी सब्जी का, हमारा। देखिए गाइस मेरी सब्जी बनके तैयार है। मैं सारे मसाले इसमें ऐड करके अच्छे से भून लिए हैं और पका लिए सब्जी को भी बिना पानी के। देखिए आप इसे पूरी के साथ, रोटी के साथ और पराठे के साथ भी खा सकते हैं। देखिए मेरी सब्जी, वाह कितना अच्छा कलर है ना। ओके गाइस चलो इसको पराठे या पूरी के साथ खा के देखते हैं। आप भी कमेंट करें, बताएं मेरी सब्जी कैसी है, मेरी रेसिपी, और लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। ओके बाय गाइस।